इंग्लैंड का भी जो वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज चल रहा है, आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है उनका भी बर्मिंघम में खेला जा रहा है मुकाबला, 46-47 ओवर का खेल हो गया है, 226 रन बना लिए इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पे। तो कहीं ना कहीं इनकी भी शुरुआती विकेट गिरने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, वहाँ पे आपके बेन स्टोक्स जिन्होंने कप्तान है 54 रन उन्होंने बनाए, और यहाँ पे जो रूट जो उनका सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है वो एक बार फिर से शतक के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा सेशन ही चल रहा है अभी, 119 बॉल पे 83 रन बना के जो रूट खेल रहा है, और जेमी स्मिथ भी जो विकेट कीपर बल्लेबाज है वो भी 36 रन बना रही है। तो 5 विकेट इनको गिर गए थे भाई, 5 विकेट तो इनके बहुत जल्दी गिर गए थे, 54 रनों पर इनके 5 विकेट गिर गए थे, 54 रनों पर इनके 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद एक शतक की साझेदारी बेन स्टोक और जो रूट के बीच 170 के करीब स्कोर पहुंचता है, बेन स्टोक आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली है जेमी स्मिथ के बीच और साथ में जो रूट, तो जो रूट अच्छी पारी खेल रहे हैं, पिछले मैच में भी शतक लगाया था। अब वेस्ट इंडीज जैसे बॉलिंग अटैक के सामने तो जो रूट से आप एक्सपेक्ट करते हैं बॉस की अच्छा पारी खेले और उठे शतक लगा रहे, यहाँ पे मेरे को लग रहा है आज भी शतक पूरा होने वाला है उसका, 33वां शतक आने वाला है बॉस। और बाय द वे ये 33वां शतक लगते ही वो एलिस्टर कुक की बराबरी कर लेगा, क्योंकि एलिस्टर कुक ने भी 33 शतक ही लगाए थे इंग्लैंड के लिए, तो सबसे ज्यादा हो जाएगी बॉस यहाँ पे बराबरी कर लेगा, रन भी ज्यादा दूर नहीं है एलिस्टर कुक को, ये पीछे छोड़ने वाला है, एलिस्टर कुक 5वें नंबर पे है टेस्ट फॉर्मेट सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लिस्ट में, यहाँ पे भी जो रन पहुंचने वाले 7वें नंबर पे पहुंच गए, तो वहां पे भी वो आगे निकलने वाले हैं। जो रूट कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है, 84 रन बना लिए, और जो रूट बाय द वे बता दूं दो मैच में इसने दो वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है, पिछले मैच में शिव नारायण चंद्रपॉल को पीछे छोड़ा था रनों के मामले में, आज ब्रेन लारा को रनों के मामले में पीछे छोड़ दिया, 12,000 रन इसके होने वाले भी है, तो वहां पे टेस्ट में 12,000 रन पर भाई 143 मैच खेले अभी इसने, और जिस गति से ये रन बना रहा है मैं कह रहा हूँ जिस गति से ये रन बना रहे हैं ना, ये सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ देगा, ये तोड़ देगा बॉस, 15,921 रनों का वो टारगेट है और वो तोड़ देगा, अभी इसकी उम्र भी 33 साल है, कम से कम 4-5 साल तो खेले गए, और एवरेज 4-5 साल खेल गए, 50 टेस्ट मैच तो कहीं नहीं गए इसके, इंजरी अगर नहीं होती है लंबी तो इंजरी कंसर्न भी रहता है, अगर ये 143 मैच हो गए 50-60 मैच ही खेल जाएगा, ऑन एवरेज अगर लगाया जाए इंग्लैंड हर साल 15-18 मैच खेलती है टेस्ट के, 15 से तो ऊपर ही खेलती है, 5 साल खेलेगा तो भाई समझ लो 200 टेस्ट का भी वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, 200 टेस्ट मैच खेलने वाले का, और 15-16,000 तो पार कर देगा, फिर 16,000 रन पार कर देगा 50 टेस्ट में, तो ये 4,000 बना देगा भाई।